नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता किस पर निर्भर करती है और किस प्रकार दक्षता के मान को ज्ञात कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कम कब होती है, अधिकतम कब होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ाएंगे या उसको दक्षता को उच्चतम करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन सी हानियां होती हैं जो ट्रांसफार्मर की दक्षता को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी हानियां जो स्थिर होते हैं, कौन कौन सी हानियां अस्थिर होते हैं, या ट्रांसफार्मर लोड डालेंगे तो ट्रांसफार्मर दक्षता किस हानि के कारण बढ़ेगी और किस हानि के कारण घटेगी, उन सब के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिर्फ एक ओनली अपन ये नहीं देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता आउटपुट बटे इनपुट होती है, आउटपुट पर इनपुट का अनुपात होता है। बहुत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत कामगार सिद्ध होंगी, मतलब उन बातों का भी अध्ययन करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए बहुत अहम बातें, जो महत्वपूर्ण बातें होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि दक्षता किसे कहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की मशीन की दक्षता ज्ञात करो, ट्रांसफार्मर की ज्ञात कर लो, मोटर की ज्ञात कर सकते हैं, जनरेटर की ज्ञात कर सकते हैं, या फिर किसी भी मशीन की आप दक्षता ज्ञात करोगे तो आपके सामने एक ही शब्द आता है, आउटपुट व इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यही तो आता है कि आउटपुट व इनपुट के अनुपात। अब आउटपुट व इनपुट में अंतर होता है, क्यों अंतर होता है, किस कारण अंतर होता है, फिर आउटपुट व इनपुट बराबर कब होते हैं, इनकी छोटी छोटी जो मुख्य बातें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को वो बातें बताने वाला हूँ मैं कि जो दक्षता के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले जो तथ्य होते हैं उनके बताता हूँ, देखूँ आपको। तो अपना अध्ययन किसका करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, परिणाम मित्र की दक्षता, परिणाम मित्र की दक्षता, इसका अध्ययन करने वाले हैं आज। दक्षता में देखो ये लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों बारीकी से अध्ययन कराऊंगा कि दक्षता के बारे में कभी भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज ही नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई डाउट पैदा ही नहीं होगा। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, नियमित पैटर्न के आधार पर जीरो लेवल से अध्ययन करेंगे ताकि निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी तक आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। तो सबसे पहले बात आती है दक्षता किसे कहते हैं, ये आती है सबसे पहली बात। दक्षता और लॉस में या हानि में क्या संबंध होता है उसकी बताऊंगा। दक्षता किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। दक्षता आपको पता है, जैसे कोई मैं आज ट्रांसफार्मर की बात कर लेता हूं, मैं जैसे ट्रांसफार्मर लिया आप लोगों ने, मैं दक्षता की बात करके दिखाता हूं किसे कहते हैं और क्या होती है। देखो जैसे ये ट्रांसफार्मर है, इसकी बात करें, इसको आप लोगों ने इनपुट दिया, माना कि यहां प्राइमरी वाइंडिंग है, आप लोगों ने इनपुट दिया, इनपुट में निर्विष्ट शक्ति, इनपुट को कहते हैं निर्विष्ट शक्ति, आपको लिखाऊंगा मैं। और यहां से क्या मिला आप लोगों को, यहां आउटपुट मिला आप लोगों को, मतलब यहां आउटपुट शक्ति आप लोगों ने लिया है उसको कहते हैं आउटपुट, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को दिया है उसको कहते हैं इनपुट। अब सपोज कीजिए यहां ये आउटपुट, माना कि आपने 1000 वाट दे दी और यहां आपको मिली 900 वाट, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1000 वाट इनपुट में दिया लेकिन मिला क्या 900 वाट, इसका मतलब संपूर्ण शक्ति तो आपको नहीं मिली। किसी भी मशीन में संपूर्ण शक्ति नहीं मिलने वाली है। यदि आइडियल की बात कर लेते हैं, आदर्श की बात कर लेते हैं, तो वहां हानियों का मान नगण्य मान लेते हैं, जीरो मानते हैं, तो वहां ये कह सकते हैं क्या कि आउटपुट व इनपुट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली रूप से ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ये काल्पनिक की जाती है, एक आदर्श के तौर पर, उसका आदर्श नाम के तौर पर ये एक समझ लिया जाता है। तो अब सपोज की दक्षता के बारे में बताता हूं आपको ये क्या थी। अब आपको ये कम मिली है तो 100 वाट की शक्ति आपको कम मिली है, ये क्या है, ये लॉस हो गया। तो कह सकते हैं यहां पे कि इनपुट यहां होगा, ये इनपुट इधर होगा और यहां लॉस होगा और यहां आपको आउटपुट मिलेगा। तो दोनों में अंतर किसने उत्पन्न किया, दोनों में अंतर इस लॉस ने उत्पन्न किया। तो ये कह सकते हैं कि इनपुट हमेशा, किसी भी प्रकार की मशीन की बात करेंगे, इनपुट हमेशा अधिक होती है, इनपुट हमेशा अधिक होती है आउटपुट से, या फिर ये कह सकते हैं कि आउटपुट हमेशा कम होती है इनपुट से। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, मैं आपको छोटी सी परिभाषा बता रहा हूं। तो क्या कह सकते हैं, यहां आउटपुट व इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। ये तो थी सी परिभाषा, लिख लेना आउटपुट व इनपुट का अनुपात होता है, ये आउटपुट व इनपुट का अनुपात होता है, रेशियो होता है। और रेशियो को आपको पता है रेशियो की कोई इकाई नहीं होती है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षता की इकाई क्या होती है, दक्षता की यूनिट क्या होती है, जहां रेशियो होता है वहां उसकी यूनिट नहीं होती है, इसलिए कह सकते हैं कि दक्षता की कोई यूनिट नहीं होती है।
दक्षता की कोई इकाई नहीं होती है, एफिशिएंसी की कोई इकाई। तो अब देखो ये अनुपात हुआ किसका, आउटपुट व इनपुट का अनुपात हुआ। तो इस आउटपुट व इनपुट के अनुपात में कहते हैं दक्षता। और अब कहते हैं दक्षता को किससे दर्शाएंगे, मैं वो छोटे छोटे बातें बता देता हूँ आपको जो कि आपको काम आएंगे, आगे शॉर्टकट में लिखेंगे तो बहुत काम आएंगे आपको। तो ये तो समझ गए होंगे आप कि हानि क्या करती है, हानि एक हानि तो हानि क्या करती है, आउटपुट के मान को कम करती है। हानि क्या करती है, आउटपुट के मान को कम करती है। अब कम कर दिया तो ये कह सकते हैं कि हानि जितनी अधिक होगी उतनी ही आउटपुट कम मिलेगी। ये भी तो कह सकते हैं कि हानि जितनी अधिक होगी, लॉस जितना अधिक होगा उतना आउटपुट कम मिलेगा, इनपुट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा, ये कह सकते हैं अपन। तो अब उसके बारे में अध्ययन करते देखो आगे कि ये कहेंगे कि दक्षता, दक्षता को नीटा से दर्शाते, इसको क्या कहेंगे, नीटा कहेंगे इसको, दक्षता को नीटा से दर्शाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में आगे नीटा ही लिखने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही लिखा देता हूं क्या होगा ये नीटा क्या होती है, इसको दक्षता कहेंगे। एक तो बात क्या आती है उसके, कभी कभार ये ऐसे भी आता है, देखो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा सा घूम जाता है, आपको विश्राम ने सीधा कर दिया, ऐसे घूम जाता है, कोई बात नहीं। एक और आता है कि दक्षता की कोई यूनिट नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, आपसे पूछा जाए दक्षता की यूनिट क्यों नहीं होती है, क्योंकि दक्षता किसी दो राशियों का अनुपात है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट या इकाई नहीं होती है। अब आपसे पूछा जाए क्यों नहीं होती है, आप लोगों को बता दिया मैंने। उसके बाद कहेंगे ये अब यूनिट नहीं होती है तो रेशियो किस में निकालते हैं, रेशियो जब भी किसी का निकालते हैं, अनुपात जब भी किसी का निकाला जाता है तो ये कह सकते हैं कि वो हमेशा प्रतिशत में ही ज्ञात किया जाता है रेशियो। तो ये कहेंगे दक्षता किस में ज्ञात करेंगे, दक्षता हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। एक छोटी बात यह आती है, और वैसे दोस्तों दक्षता का चैप्टर मैंने सभी मशीनों की बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन दक्षता सब मशीनों में समान होती है। मैंने डीसी जनरेटर के चैप्टर में दक्षता को अच्छी तरह एक्सप्लेन करवाया है, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कराया, क्योंकि वो शुरू के चैप्टर थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाए हैं। आज भी उन सब बातों को दोहराऊंगा, आज भी उन सब बातों को लिखवाऊंगा जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ताकि डीसी जनरेटर के बारे में न जाकर आप यहां भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन और यदि डीपली अध्ययन करना चाहो तो डीसी जनरेटर की दक्षता देखोगे, वहां कुछ इंडिविजुअली आपको डीसी जनरेटर के बारे में मिलेगा, यहां इंडिविजुअली आपको कुछ ट्रांसफार्मर के बारे में मिलेगा, लेकिन जो कॉमन बातें होंगी वो सेम टू सेम होंगी। वहां देखोगे तो भी यही बातें मिलेंगी, या किसी भी मशीन में देखोगे, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मशीन, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, जो भी देखोगे तो कॉमन बातें होंगी, जो कॉमन बातें अभी पढ़ रहे हैं ये सब में होंगी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, ठीक है, प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। अब मैं आपको वो डायग्राम देखो, ये आप लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, उनको आप समझना। देखो ये क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर ले लेता हूं, क्योंकि आज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। यहां आप लोगों ने क्या दिया, या यहां इनपुट पावर दिया आप लोगों ने, ये दिया, ये क्या दिया, इनपुट पावर दिया आप लोगों ने, जो भी पावर दी पावर ब्लास्ट में देखेंगे। आउटपुट क्या मिला आप लोगों को, थ्री फेज का आउटपुट ये मिलेगा आप लोगों को। अब ये आप लोगों ने देखा था कि आउटपुट पावर ये मिलती है आप लोगों को, तो इनपुट का मान हमेशा इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट होती है, इनपुट ग्रेटर देन आउटपुट होती है। तो ये कह सकते हैं ये कम क्यों हुआ, ये लॉस के कारण हुआ। ये क्या है, यहां लॉस के कारण कम हुआ है, ठीक है ना, ये लॉस का मतलब हानियों के कारण, ये कह सकते हैं कि हानियों के कारण कम हुआ है। अब हानि कहां होगी, यहां लॉस होगी इसके अंदर, ये लॉस होगी तो क्या होगा, जितनी मान लॉस का अधिक होगा उतनी ही दक्षता कम होगी। तो कह सकते हैं कि इनपुट, देखो इनपुट माइनस लॉस कम कर देते हैं तो क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलती है आपको, याद रखना। आउटपुट में इनपुट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं, तो कह सकते हैं कि ये कब होता, देखो ठीक है ना। तो अब देखो इन दोनों की बात की जाए कि इनपुट में आउटपुट बराबर कब होता है, इनपुट में आउटपुट बराबर कब होता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, किसी भी मशीन, किसी भी प्रकार की मशीन की बात करेंगे आप, चाहे किसी भी, जैसे जनरेटर ले लिया, मोटर ले लिया, या अल्टरनेटर ले लिया, या ट्रांसफार्मर ले लिया, किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है। लेकिन यहां मैं एक चीज छोड़ूंगा, आइडियल ट्रांसफार्मर को छोड़कर, तो यहां लिखेंगे आइडियल, आदर्श ट्रांसफार्मर को छोड़कर, आइडियल ट्रांसफार्मर को छोड़कर किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती है। ये बीच में आता है, देखो एक बात, अब कहोगे 100% क्यों नहीं होती है, उसका कारण है ये,
उसका कारण क्या है? लॉस है। तो पूछा जो 100% क्यों नहीं, तो इसका कारण क्या आ गया? लॉस आ गया उसका कारण, कि हानियां 100% होने नहीं देती हैं। तो आइडियल में क्या होता है, देखो आइडियल में मैंने आपको बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट व बराबर इनपुट होता है, आउटपुट व इनपुट दोनों बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं दक्षता कितनी होगी, दक्षता आपकी 100% होगी ये आइडियल में। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस का मान शून्य हो गया। लॉस का क्या है, लॉस का मान जीरो, हानियों का मान क्या होगा, जीरो होगा। ये आप समझ गए होंगे कि हानि व दक्षता का आपस में कितना घनिष्ठ संबंध होता है, हानि व दक्षता का आपस में कितना घनिष्ठ संबंध होता है। तो हानि जहां होगी वहां दक्षता 100% नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, यदि प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म में देखा जाए, ये तो आइडियल था, अब प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म में देखा जाए तो क्या होता है, प्रैक्टिकली में ये होता है कि आउटपुट पावर कम होती है इनपुट पावर से। ये भी कह सकते हैं कि इनपुट पावर अधिक होती है आउटपुट पावर से, ये याद रखना। और अब ये इनपुट को हिंदी में क्या कहेंगे, आउटपुट को हिंदी में क्या कहेंगे, ये देख लेते हैं। इनके नाम काफ़ी बार परीक्षा में आते हैं, हिंदी में पूछा जाए तो आते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आउटपुट को देखो मैं आपको लिखा देता हूँ, आउटपुट को कहेंगे निर्गम शक्ति, आउटपुट शक्ति को क्या कहेंगे, निर्गम शक्ति या निर्गत शक्ति भी हो सकती है, निर्गत शक्ति या निर्गम शक्ति होती है। और इनपुट को क्या कहेंगे, इनपुट पावर को कहेंगे निर्विष्ट शक्ति, निर्विष्ट शक्ति होती है इनपुट, या फिर निवेशी शक्ति, निवेशी निवेश शक्ति, परीक्षा में जो भी नाम है आप देख लेना, ये हो सकते हैं। यहां पे ये इनपुट, इनपुट का ये, और ये आउटपुट, आउट के बारे में ये है, ये इनपुट के बारे में है, ये आउटपुट के बारे में है। तो यहां मैं जब हिंदी में नाम लिखूं तो आप पकड़ जाना कि ये सर आप क्या लिखा रहे हो। तो इसका मतलब अब लॉस की बात करें, लॉस देखो हानि की बात करें तो यहां क्या कहेंगे कि दक्षता व लॉस में संबंध होता है, रिलेटेड आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंध होता है। एक पॉइंट लिखो, दक्षता व लॉस का आपस में या हानि का आपस में संबंध होता है, बिल्कुल संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है, हानि देखो हानि होती है कि इनपुट व आउटपुट का अंतर होता है। ये हानि पढ़ाई तब बता चुका हूं, फिर लिखेंगे लॉस इनपुट होता तो क्या लिखेंगे, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर, ये होगी आपकी हानि, इनपुट माइनस आउटपुट पावर क्या होगी, ये आपकी हानि होगी। तो एक चीज और देख लो, अब वो मुख्य बात निकल के आने वाली है, क्या कि जो पढ़ने की जो ट्रांसफॉर्मर में बहुत उपयोगी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बात करते हैं। देखो आपके सामने दो चीजें आ गई, लॉस का मान आ गया कि हानि कैसे ज्ञात करेंगे, इनपुट का मान आ गया, आउटपुट का मान आ गया। तो वो चीजें लिखवा दे आपको, वो चीजें बता दूं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको परीक्षा में, आगे इसे दक्षता को ज्ञात करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता जब निकालेंगे तो वो फॉर्मूला आपके सामने आएगा। कौन सा फॉर्मूला, अब आपको बताता हूं। देखो मैं यहां पे जैसे आपसे पूछा जाए कि ये इनपुट पावर है, जैसे ये इनपुट पावर है, अब ये इनपुट है और ये लॉस है, ये आउटपुट है, इनपुट को कैसे ज्ञात करेंगे, इस लॉस को इधर ले आएंगे या लॉस को इधर ले आएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि समीकरण बन गया। एक समीकरण उधर कर सकते हैं, इनपुट बराबर हो सकता है कि आउटपुट प्लस लॉस, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आप लोगों का इनपुट पावर। और आउटपुट पावर कैसे ज्ञात करेंगे, आउटपुट पावर ज्ञात कर सकते हैं इनपुट माइनस लॉस। तीन बातें निकल के आ गई आपके सामने, कौन कौन सी आ गई, एक तो ये आ गई हानि कैसे ज्ञात करेंगे, एक ये आ गई कि इनपुट पावर कैसे ज्ञात करेंगे, और एक आ गई आउटपुट पावर कैसे ज्ञात करेंगे, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मिलेगा, मोस्ट क्योंकि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ज्ञात करेंगे, यही फॉर्मूला आपके सामने आएगा। ये तो थी इन मुख्य बातें सभी मशीनों में जो कि आपको मैं बता रहा हूं। अब उसकी बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मर दक्षता की बात करते हैं कि दक्षता कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। दक्षता के फॉर्मूले की बात करता हूं आपको, अब दिखाता हूं, देखो आपको मैं अब देखो दक्षता, देखो दक्षता को नीटा से दर्शाते हैं आगे बात, इसी क्या है आउटपुट व इनपुट का अनुपात है, ये क्या है आउटपुट पावर व इनपुट पावर का अनुपात हो गया। आउटपुट का क्या कहेंगे, निर्गम शक्ति, निर्गम शक्ति व निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति का अनुपात होता है, ये समझ गए आप, ठीक है ना। ये निर्गत होगा
तो ये निर्दिष्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, हिंदी में अंग्रेजी में कोई आप देख लेना, ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इनपुट पावर आपको आउटपुट पर आउटपुट पावर का फॉर्मूला भी लिखा था आपको मैंने, क्या लिखा था देखो, आउटपुट ये था कि आउटपुट कैसे ज्ञात करेंगे जब इनपुट में से लॉस कम करेंगे। देखो ये है इनपुट और ये आउटपुट, ये क्या है लॉस, इसमें से ये कम कर देंगे ये मिल जाएगा, ये ज्ञात करेंगे तो इसमें ये जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इनपुट भी कैसे ज्ञात किया था, इनपुट बराबर आउटपुट प्लस लॉस, लॉस का मतलब हानिया। तो अब आपसे पूछा गया कि आउटपुट ये है, तो यहां एक फॉर्मूला और क्रिएट कर देता हूं, देखो मैं आपके सामने कि आउटपुट की जगह आउटपुट, आउटपुट पावर अपॉन, अब इनपुट की बात करें तो इनपुट ये भी तो देखो, इनपुट में आउटपुट प्लस लॉस है, तो यहां लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉस, ये फॉर्मूला आता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ट्रांसफॉर्म की लॉक्स यदि दक्षता ज्ञात करिए मिलेगा। अब मैंने आपको बताया ये प्रतिशत में ज्ञात करते हैं, यहाँ इंटू 100 लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपको दक्षता का फॉर्मूला मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्म की दक्षता का फॉर्मूला। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सर को ये होगी, दूसरा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दक्षता बराबर। अब देखो आउटपुट का फॉर्मूला ये भी तो है, इनपुट माइनस लॉस, तो ये कह सकते हैं कि इनपुट माइनस लॉस, लॉस का मतलब हानियाँ लिख लेना, लॉस का मतलब हानियाँ, और ये मिल गया आपको इनपुट, बस ये आपको मिल गया इंटू 100। ये भी तो हो सकता है फॉर्मूला, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि फॉर्मूला ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि आपको नीचे इनपुट ही लेना था लेकिन ऊपर इस आउटपुट का फॉर्मूला दे दिया आप लोगों ने, तो ये हो गया एक फॉर्मूला, ये भी हो गया। तो आपके सामने एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से यही काम में लिया जाता है, याद रखना। अब इसके आधार पर मैं आपको वो फॉर्मूले बताता हूँ जो ट्रांसफॉर्मर दक्षता को ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ लिखना चाहते तो लिख ले सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट का मतलब निर्गम शक्ति, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, और निर्गम शक्ति लिख दो यहाँ पे कि आउटपुट निर्गम शक्ति, हिंदी में लिखना चाहो तो निर्गम शक्ति अपॉन निर्गम शक्ति प्लस हानियां। अब हानियां कौन कौन सी होंगी वो आप देख लेंगे, आपको दिखा देता हूँ हानियां कौन कौन सी होती हैं, वो आप लोग हानियां पढ़े थे तब आपको ध्यान होगा, नोट्स बनाए होंगे कि हानियां कौन कौन सी होती हैं। अब देखो छोटी सी बात एक बताता हूँ मैं कि निर्गम जब आउटपुट और निर्विष्ट के जो आउटपुट से यदि इनपुट कम हो, इनपुट से आउटपुट कम होता है, गौर से सुनना, यदि आउटपुट इनपुट से कम होता तो कारण क्या था, लॉस का कारण था। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों का अनुपात है, सोचने वाली बात है, दोनों का अनुपात है, दोनों का अनुपात क्या है, दक्षता है, दक्षता क्या है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात है। अब आप समझ गए होंगे आगे एक छोटी सी बात है कि यदि लॉस यहाँ पे कारण बनता है, हानियाँ यहाँ पे कारण बनता है, यदि मैं यहाँ हानियों के मान को बढ़ाऊँ, गौर से सुनना, हानि के मान को बढ़ाऊँ तो ये कम मिलेगा, बिल्कुल सही बात है कि हानि बढ़ेंगी तो आउटपुट कम मिलेगा, और आउटपुट कम मिलेगा तो दक्षता का मान घटेगा, क्योंकि दोनों का अनुपात है। जैसे मान लें कि यहाँ 90 आउटपुट है और यहाँ 100 दिया आप लोगों ने, 100 वाट की शक्ति दी, 90 मिली, तो ये क्या मिल गया, देखो यहाँ पे ये 0.9 क्या होगी, आउटपुट होगी। अब मान लीजिए कि मैं लॉस के मान को बढ़ा देता हूँ, आप सपोज करें लॉस के मान को बढ़ाया मैंने, आज लॉस के मान को बढ़ाया तो आउटपुट माना कि 80 मिल गई, आउटपुट माना कि 80 मिल गई, 80 मिल गई तो यह 100 हो गया, अब 100 हो गया तो क्या होगा, देखो 0.8, अब बताओ ये दक्षता घटी बढ़ गई, दक्षता घट गई, इसकी दक्षता घट गई 0.9 से 0.8 आ गई, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लॉस बढ़ेगा तो दक्षता घटेगी, लॉस बढ़ेगा तो दक्षता घटेगी, इसका मतलब ये एक निष्कर्ष निकल के आ गया यहाँ पे, क्या आ गया कि ये दक्षता का मान कब बढ़ेगा, जब हानियों का मान, दक्षता कब बढ़ेगी जब हानियां घटेंगी, याद रखना बात, दक्षता कब बढ़ेगी जब हानियां घटेंगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दक्षता कब बढ़ेगी, एफिशिएंसी का मान कब घटेगा, जब हानियों का मान बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लिख लो कि हानियां व दक्षता एक दूसरे से विपरीत होती हैं, हानियां व दक्षता एक दूसरे से विपरीत होती हैं। तो अब ये तो थी एक नॉर्मल बातें, ठीक है ना, ये तो थी एक नॉर्मल बात। अब यदि चलो एक बात और बताता हूँ, यदि हानियों का मान जीरो कर दिया जाए, लॉस का मान पूछा जाए, लॉस का मान जीरो कर दिया जाए तो दक्षता क्या होगी, एफिशिएंसी का मान क्या होगा, 100% होगा। हानियों का मान जीरो कर दिया जाए तो दक्षता का मान 100% होगा। मैंने आपको ये कहाँ बताया, ये सिर्फ ओनली आइडियल ट्रांसफार्मर में होता है, आइडियल मशीन में होता है। आइडियल जनरेटर की बात करेंगे वहाँ भी दक्षता का मान 100% होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की वहाँ दक्षता का मान 100% होगा, आइडियल किसी मोटर की बात करते हैं वहाँ दक्षता का मान 100% होगा, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से नहीं होता है, समझिए आगे बात। तो दक्षता के कम होने का कारण एक ही कारण है अपने पास, लॉस, लॉस के मान को जितना कम किया जाएगा मशीन की दक्षता उतनी अच्छे से अच्छी होती चली जाएगी।
इसलिए कहते हैं हानियों का मान कम से कम हो। ठीक है, अब देखो ट्रांसफार्मर की हानि की बात करते हैं। यहां ट्रांसफार्मर में हानि दिखी आप लोगों को, यहां आप लोगों को बताता हूं एक चीज, आपको जो पीछे पढ़ा दिया उसकी रिवीजन की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन सुनना, जो पीछे पढ़ा दिया उसकी रिवीजन की बात कर लेता हूं मैं, आप लोगों को अच्छे तरह समझ में आ जाएगा कि जो मैंने हानियां पढ़ाई वो कौन कौन सी हानियां थी। ये ट्रांसफार्मर आप लोगों का, ये यहां क्या दिया आप लोगों ने, यहां मैं इसको दिखा देता हूं। देखो ये आपको मिलेगी आउटपुट पावर और यहां मिलेगी आपको इनपुट पावर। यहां क्या मिला, यहां मिल गया आपका लॉस, यहां मिली आपको हानि मिली है। तो ये कह सकते हैं कि इनपुट अधिक होता है आउटपुट से। यहां क्या था, यहां हानियां थी, यहां क्या है, हानियां है। अब हानियां कितने प्रकार की थी आप लोगों को पता होगा, डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई का मतलब आयरन लॉस, लो हानि या कोर लॉस, और एक थी डब्ल्यू सी, ये कॉपर लॉस। ठीक है ना, इसको क्या कह सकते हैं, देखो इन दोनों की बात करें, ये थी आपकी स्थिर हानि और ये थी अस्थिर हानि, जो कहते हैं ये कॉपर लॉस लिख लेना और ये आयरन लॉस। आयरन लॉस कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की थी, एक तो थी डब्ल्यू ई एडिक्रेट लॉस और डब्ल्यू एच हिस्टेरिसिस लॉस, और ये एक ही लॉस थी आपकी, कौन सी, ये आपकी जो लोड के साथ मुर्गी परिवर्तित हानि थी, ये कॉपर लॉस आपकी। अब देखो आप लोगों ने इतना देखा था कि ये दोनों हानियां, ये दोनों हानियों की बात करिए किससे ज्ञात किया आप लोगों ने, ये ओपन सर्किट टेस्ट से ज्ञात की थी, ओसीसी, ओसी टेस्ट से इन दोनों को ज्ञात किया, और इसको किससे ज्ञात किया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सेशन को ज्ञात किया था। इसलिए हानियां मिल जाते हैं तो आउटपुट, देखो एक बात और आएगी आपके सामने, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग आउटपुट के निर्धारण से दी जाती है। आउटपुट में शक्ति मिलेगी आपको उससे के निर्धारण से दी जाती है, इनपुट से कभी नहीं देते हैं। आउटपुट का मतलब कि आउटपुट में कितनी केवीए की पावर मिलती है आपको उसके निर्धारण से दी जाती है। तो यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, यदि नहीं देखा शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, आयरन लॉस क्या, ये आयरन लॉस क्या है, ये कॉपर लॉस क्या है, डब्ल्यू ई क्या है, ये सब के सब पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, तो वहां जाके देख लेना। तो यहां यदि आप, आपके देखा जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, ये हानियां अवश्य होंगी, इसलिए कहते हैं ट्रांसफार्मर में लो हानियों का मान कम से कम हो और कॉपर हानि का मान कम से कम हो। तो इन हानियों को देखते हुए, इन दोनों टेस्टों को देखते हुए, ये एक निष्कर्ष निकल के आता, आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 95% से 98% तक होती है। ये तो ट्रांसफार्मर की दक्षता थी, 95% से 98% से 98% तक होती है। तो ये 3%, देखो 5% तो ये कम हो गया, 2% यहां कम हो गया, तो क्या कह सकते हैं कि इनपुट पावर से हानियां कितनी होंगी, इनपुट पावर से हानियां कितने परसेंट कम होंगी। तो कह सकते हैं कि इनपुट, ये तो क्या है, ये आउटपुट में आपको 95% या 98% मिली, ये कहां मिली है, ये आउटपुट में मिली आपको, आउटपुट में इतनी पावर मिली आपको, इतनी दक्षता मिली है, तो ये हानियां कम होंगी। इसलिए कह सकते हैं कि लॉस, ये है ना, ये हानियों की बात करते, तो ट्रांसफार्मर में हानियां कितनी होती हैं, तो लॉस की बात करते हैं, लॉस मतलब हानियां, इनपुट पावर का 2% से 5% तक होता है। ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं। इनपुट पावर का 2% से 5% तक होता है, ये आपकी हानियां होंगी। अब क्यों होंगी आपके, आपको इसके आगे मैं बताऊंगा। तो यहां तक आ गया और समझ में, यदि यहां तक समझ में आएगा, आपको वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और दोस्तों इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करवाऊंगा आपको, नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, नहीं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखो ट्रांसफार्मर के उस फॉर्मूले की बात करेंगे, कौन से फॉर्मूले की, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करेंगे, उस फॉर्मूले को आप क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट होता है। ये देखेंगे अब यहां पे, यहां पे अब देखो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, रेटिंग आउटपुट पावर के निर्धारण, आउटपुट जो पावर होता है, आउटपुट पावर पावर के आधार पर होती है। और आपको पता कि आउटपुट की पावर कैसी होती है, केवीए में दी जाती है, तो आउटपुट केवीए रेटिंग के आउटपुट के आधार पर होती है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग आउटपुट निर्धारण में केवीए में होती है, किसमें होती है, सबसे पहले एक ही आता है रेटिंग किसमें होती है, रेटिंग की बात कर लो, ये VA में होती है। छोटी इकाई देखा जाए तो VA वोल्ट एम्पियर होती है, और बड़ी इकाई देखी जाए तो क्या होगा, बड़ी इकाई की रेटिंग की बात करें, इससे बड़ी इकाई,
बड़ी इकाई किस में होती है? केवीए में होती है। और इससे बड़ी इकाई की बात की जाए तो किस में होती है? एमवीए में होती है, ये जीवीए में होती है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड देखा जाए तो ये आता है किलो वोल्ट एम्पियर आता है, स्टैंडर्ड देखा जाए तो किलो वोल्ट, क्योंकि वाट या किलो वाट छोटी का ये आता है स्टैंडर्ड में ये तो। लेकिन यहाँ छोटा बहुत छोटे जो छोटे छोटे जो अपने इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं वहाँ वोल्ट एम्पियर होते हैं, लेकिन अपनी यदि बड़े ट्रांसफार्मर की बात करें तो सबके सब केवीए में होते हैं, तो इसकी बात करते हैं केवीए में, ये वोल्ट एम्पियर लिख सकते हैं। तो आपके सामने आया कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है ट्रांसफार्मर की, सबसे छोटी रेटिंग किस में होती है? वोल्ट एम्पियर में होती है, उससे बड़ी रेटिंग केवीए में होती है। इसका ही मान अधिकतर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? केवीए में होती है। अब केवीए में क्यों होती है, जो तुम रेटिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको रेटिंग के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं दक्षता की। वो ऐसे बता देता हूँ कि केवीए में क्यों होती है, क्योंकि लोड के पावर फैक्टर का पता नहीं होता है। वास्तविक शक्ति में किसका मान लेंगे? पावर फैक्टर का मान लेंगे। पावर फैक्टर निर्धारित नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। आउटपुट का पावर फैक्टर क्या होगा, इंडक्टिव लोड लगाया है, कैपेसिटिव लोड लगाया है, रेजिस्टिविटी लोड लगाया है, कैसा लोड लगाया है, तो पावर फैक्टर कैसा होगा, धारा लैगिंग चलेगी, लीडिंग चलेगी, या आपको यूनिटी चलेगी, तो उसका पता नहीं होता। इसलिए पावर फैक्टर का मान नहीं पता होने के कारण ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है। जब पढ़ाएंगे फिर इसका एक्सप्लेन आपको करवा देंगे। तो ये देखो, अब आपने बात करें यहाँ से वास्तविक शक्ति की बात करें, वास्तविक शक्ति कैसे होती है? देखो ये जो भी बात करेंगे ये क्या है, ये आभासीय शक्ति है। वोल्ट एम्पियर क्या है, ये आभासीय शक्ति है। मैंने आपको एक ट्रायंगल पढ़ाया होगा, याद होगा आप लोगों को कि केवीए ट्रायंगल पढ़ाया था। यहाँ से ऐसे यहाँ क्या थी, क्यू ये रिएक्टिव पावर थी, पी ये वास्तविक शक्ति थी, और यहाँ एस ये आभासीय शक्ति थी, ये केवीए थी। यहाँ पे याद होगा आप लोगों को ये वी आई कोस फाई थी, और ये वी आई साइन फाई थी, और ये वोल्ट एम्पियर थी, केवीए थी। यहाँ पे ये वी ये थी वी आई, या इसको वी आई भी कह सकते, ये थी वी आई थी यहाँ पे। तो ये वास्तविक शक्ति है, इसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पे। तो वास्तविक शक्ति देखो, आभासीय शक्ति ये वोल्ट एम्पियर है, ये वोल्ट एम्पियर इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इसको आपने कोस फाई से मल्टीप्लाई किया, तो केवीए पावर होती है। इसको वास्तविक शक्ति के रूप में देखा जाए कि इसको वास्तविक ट्रांसफार्मर की वास्तविक शक्ति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वास्तविक शक्ति की बात करते हैं, वास्तविक शक्ति रियल पावर की बात करते हैं, तो पी बराबर होता है वी आई, ये केवीए, वी का मतलब वोल्ट, आई का मतलब एम्पियर, और यहाँ कोस फाई ले लेंगे, ये पावर फैक्टर ले लेंगे। पावर फैक्टर पता लग जाता है, जैसे मानो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग यहाँ से 100 केवी की कर देते हैं, 100 केवी आउटपुट में मिला आपको, ये 100 केवी कब मिलता है, ये मिलता है आपको पावर फैक्टर का एक या पता नहीं होता तो उस पावर फैक्टर का आधार मिलता है। यदि पावर फैक्टर घट दिया जाए, यदि घट जाएगा तो 100 केवी शक्ति पूरी नहीं मिलेगी आपको, वो वाट में शक्ति कम हो जाएगी, वाट में 90 वाट हो सकती है, ठीक है ना, वाट में 80 वाट हो सकती है, ये 80 किलो वाट हो सकती है, या 80 किलो वाट हो सकती है। तो ये क्या होगा, पावर फैक्टर की बात होगी। पावर फैक्टर यदि घटे बढ़ेगा तो वहाँ आपको वास्तविक शक्ति पूरी नहीं मिलेगी, इसलिए केवीए पावर में 100 होती है, वास्तविक शक्ति 100 नहीं मिलती है। यदि यहाँ वास्तविक शक्ति को गुणा कर दिया जाए पावर फैक्टर से तो ये आपको मिल सकती है। तो वास्तविक के इस मतलब इस अपारेंट पावर को, ये अपारेंट पावर को पावर फैक्टर से गुणा किया तो आउटपुट में पावर फैक्टर को गुणा कर देते हैं, आउटपुट पावर का पावर फैक्टर से गुणा कर दो। अब इनपुट पावर का पावर फैक्टर हमको पता नहीं है, इनपुट में पावर फैक्टर क्या होता है, तो अपन इसलिए आपको बताया था कि इनपुट पावर का पावर फैक्टर क्या होता है, लेकिन आउटपुट में पावर फैक्टर क्या होगा उसकी मान का पता कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर दक्षता कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तविक शक्ति के अंदर ये वास्तविक शक्ति ने इसको मान लेते हैं, तो वी आई कोस फाई के आधार पर। अब मैं आपको बताता हूं कि एफिशिएंसी का सूत्र क्या था, उस एफिशिएंसी की बात करता हूं जो आप लोग देखते हो कि एफिशिएंसी के सूत्र क्या था। यहां पे उस एफिशिएंसी में ये था, ये मिटा देता हूं यहां पे मैं थोड़ा सा, ये था एफिशिएंसी बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब आउटपुट में कौन सी शक्ति है, ये भी आउटपुट में है, ये आउटपुट में कौन सी पावर है, यहां पे आउटपुट में केवीए है, आउटपुट में क्या मिला आपको, ये मिला केवीए पावर। तो यहां लेंगे, देखो ये लेंगे यहां पे बराबर केवीए, केवीए और ये लेंगे आउटपुट की केवीए अपॉन केवीए, ये भी लेंगे आउटपुट की केवीए, यहां लगाएंगे कोस फाई, क्योंकि वास्तविक शक्ति लेनी है आप लोगों को, यहां लगाएंगे कोस फाई, ये आउटपुट है, ये आउटपुट, लेकिन यहां पर आप लोगों को पता है कि आउटपुट में क्या जोड़ा, लॉस का मान जोड़ा, तो यहां कह सकते हैं प्लस लॉस। ये आपकी होगी ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र, ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला। अब आगे इसको और देखते हैं कि आगे उसमें क्या होता है। देखो अब आगे ये कह सकते हैं कि हानियां कौन कौन सी होती हैं, हानियां आपको पता है, हानियां दो होती है आपके सामने। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लॉस की बात की जाए, लॉस की बात की जाए तो डब्ल्यू आई, ये आयरन लॉस,
और वह डब्ल्यू सी ये कोपरलोस, ये आपको दो प्रकार की बताई थी डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एच और ये डब्ल्यू सी। तो ये दो तो ये होगी, एक ये दो हानियां होगी, इन दोनों हानियों का मान इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो केवी पावर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी यहां पे नीटा बराबर केवीए आउटपुट की, केवी किसके लेंगे आउटपुट के लेंगे, इनटू कोस फाई अपॉन। अब इनपुट की बात है, देखो आउटपुट तो ये मिल गया आप लोगों को, इनपुट में आउटपुट प्लस लॉस जोड़ देंगे तो लिख देंगे केवीए, ये क्या ये किसके लेंगे केवी पावर आउटपुट की प्लस ये आपका हो गया इनटू कोस फाई, ये हो गया। अब इसमें जोड़ देंगे आपकी क्या जोड़ेंगे, यहां केवी पावर कोस फाई जोड़ के यहां लगेंगे कि डब्ल्यू आई प्लस डब्ल्यू सी। डब्ल्यू आई क्या है, ये डब्ल्यू क्या है, ये कॉपर लॉस है, और डब्ल्यू आई क्या है, ये आयरन लॉस है या कोर लॉस बोलते हैं जिसको, आयरन लॉस। तो यहां उन दोनों का मान जोड़ दिया तो ये क्या मिल गया आप लोगों को, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला मिल चुका है आप लोगों को, ये ट्रांसफार्मर की दक्षता है। तो दोस्तों दक्षता ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए और हानियों का मान चाहिए। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था कि वहां से आप डायरेक्ट लो हानि व कॉपर लॉस, लो हानि व तामर हानि का मान ज्ञात कर लो, आउटपुट पे आपको मिल जाएगा। आउटपुट जो पावर मिलती है उसमें से हानियों का मान को जोड़ दो और आपको आउटपुट में ही आपका दक्षता का मान मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं इनपुट पावर के बजाय आउटपुट पावर में यदि लॉस का मान जोड़ दिया जाता है तो आपको इनपुट मिल जाता है, वहां से दक्षता आसानी से ज्ञात की जा सकती है, कर सकते हैं ना। इसलिए यहां पर मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप इसे भी मान ज्ञात कर सकते हो, इसे भी मान ज्ञात कर सकते हो, तीसरा भाग होता था, लेकिन यह फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए। तो लेकिन अभी कभी कभार एक प्रश्न होता है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। किसी भी प्रकार की मशीन की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की बात कर लो या जनरेटर की बात कर लो, अल्टरनेटर की बात कर लो, अधिकतम दक्षता कब होती है, ठीक है, अधिकतम दक्षता का मान कब होता है, जब ये दोनों हानियां, ये हानि दोनों बराबर हो जाएंगी, ये हानि और ये हानि दोनों बराबर हो जाएंगी। बराबर कौन सी होगी, आपको ये तो पता ही है कि कॉपर लॉस क्या है, वेरिएबल लॉस है, कॉपर लॉस अस्थिर हानि है, लेकिन आयरन लॉस तो स्थिर है, तो बदलेगी कौन सी, कॉपर लॉस बदलने वाली है, ताम्र हानि का मान बदलने वाला है। आयरन हानि तो माना कि 200 वाट की आयरन हानि है तो 200 वाट ही रहेगी, चाहे आप कितना भी लोड डाल दो, लेकिन कॉपर लॉस को बदलकर आप 200 वाट के बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे उस मशीन की दक्षता सबसे उच्चतम हो जाएगी। तो अब नतीजा क्या निकल के आता है कि ट्रांसफार्मर की उच्चतम दक्षता अधिकतम दक्षता कब होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, उसको और लिख लो आप लोग यहां पे, मैं आपको बता देता हूं कि क्या लिखेंगे, अधिकतम दक्षता का मान, अधिकतम दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, जब देखो जब इमेजिम एफिशिएंसी में अधिकतम दक्षता कब होती है, जब ये तम्र हानि व लो हानि या कोर लॉस दोनों बराबर होती हैं, जब दोनों बराबर है क्या कि अधिकतम दक्षता मिलेगी आपको, अधिकतम दक्षता मिल जाएगी, तो कह सकते हैं कि एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब डब्ल्यू सी कॉपर लॉस बराबर डब्ल्यू आई होगा तो मैक्सिमम पावर मिल जाएगी आपको। यह काफी बार परीक्षा में एक बार नहीं काफी बार पूछा गया है कि यदि कॉपर लॉस का मान आयरन लॉस के बराबर हो जाए तो मशीन की दक्षता क्या होगी, मशीन की दक्षता अधिक उच्चतम होगी। यदि अस्थिर हानियों का मान यहां क्या आ सकता है, देखो और भी नाम आ सकते हैं, ये कौन सी हानि है, ये कॉपर लॉस अस्थिर हानि है, तो अस्थिर हानि बराबर स्थिर हानि हो जाए, हानि बराबर हो जाए तो क्या होगा, मशीन की दक्षता अधिकतम मिलेगी आपको। फिर ये कह सकते हैं कौन सा कि जैसे अपने लो हानि, यह नहीं लो हानि बराबर तम्र हानि हो जाए तो क्या होगा, तो मशीन की दक्षता उच्चतम होगी। ये देख लो आप, मशीन की दक्षता क्या होगी, उच्चतम होगी। तो ये निकल के आता नहीं था, अब उच्चतम किस लोड पे होगी, कब होगी, आप लोगों को पता है कि जब ट्रांसफार्मर में हानियां होती हैं तो आयरन लॉस का मान स्थिर होता है, तो आयरन लॉस कभी बदलने वाले नहीं होते हैं। अब देखो एक बात और आती है,
जब आयरन कॉपर लॉस के मान को यदि आयरन लॉस को 200 जैसे किसी ट्रांसफार्मर की हानि आयरन लॉस 200 वाट है और कॉपर लॉस सोचने वाली बात है आयरन लॉस 200 वाट है और कॉपर लॉस 300 वाट है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने वाट पर सबसे अधिक होगी, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी हानि पर सबसे अधिक होगी। तो आपको पता कि 200 प्लस 300 होगी तो ट्रांसफार्मर में कुल हानियों का मान कितना है, अब फिलहाल 500 है। जैसे आयरन लॉस का मान 200 है, सोचने वाली बात आ गई आयरन लॉस का मान कितना है 200 वाट है और कॉपर लॉस कितनी है 300 वाट, ट्रांसफार्मर कुल हानि कितनी है 500 वाट है। तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी, जब इसके बराबर में 100 वाट घटा देंगे और ये मान इसको कम कर देंगे तो 200 प्लस 200 प्लस 400 वाट, 400 वाट पर क्या होगा ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होगी, ये हानि 400 वाट की हानि हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्चतम होगी। लेकिन इसका मान बदलने वाली यही इसके बराबर आ सकती है, ये इसके बराबर कभी नहीं जा सकती। अब देखो एक चीज और आती है कि ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता क्या होती है, सकल दिवस पूर्ण ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की नॉर्मल दक्षता ज्ञात की है, ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, पूर्ण दिवस दक्षता क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये भी आपके बार आपके सामने काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, मैंने आपको अब तक जितने पॉइंट बताए हैं सबके सब परीक्षा में आ चुके हैं, किसी न किसी पेपर में आपको खोल कर देखोगे आपको आईटीआई के पेपर मिल जाएंगे या किसी कंपटीशन के एग्जाम मिल जाएंगे, जैसे कंपटीशन का एग्जाम इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी कंपनी की होगी या किसी मतलब सरकारी जॉब की होगी, सबके सब मिल जाएंगे आप लोगों को। तो उनमें यह भी आता है कि ट्रांसफार्मर की संपूर्ण दिवस दक्षता क्या होती है, काफी बार पूछा जाता है, तो आज उसकी ओर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आया या नहीं आया, या इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुए वो आप कमेंट से लिख के जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही प्रोत्साहित करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जितना कमेंट्स करोगे उतना अच्छा होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, कुछ और कहीं से सर्च करके लेके आऊं कि आपको मैं इनको कुछ और बताऊं कि कुछ इनका मेमोरी इंप्रूवमेंट हो और कुछ इंटेलिजेंट बन जाएं। तो आपके कमेंट्स बहुत कामगार से दोगे, इसलिए कमेंट्स करना नहीं भूलें, आपके मन में जो भी विचार हो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है। देखो ये भी कुछ हार्ड नहीं है, ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्ण दिवस दक्षता क्या होगी, पूर्ण दिवस दक्षता इसकी बात करते हैं, ऑल डे एफिशिएंसी इसकी बात करते हैं। देखो अब आपको दो चीज बताता हूं, आपको आप खुद समझना। जैसे माना कि एक ट्रांसफार्मर मैंने ये ले लिया और एक ट्रांसफार्मर ये ले लिया, दो ट्रांसफार्मर ले लिया आप लोगों, दो परिणाम तर लिए। ये ट्रांसफार्मर तो मतलब यहां से इसको लोड लगाया, ये इनपुट दी और आउटपुट मिल गई आप लोगों को। यहां मैंने इनपुट दिया नहीं दिया वो बाद की बात है, ये तो 24 घंटे चलता है, ये तो 24 घंटे लोड से संयोजित होता है और ये कभी कभी होता है, गौर से सुनना, ये कभी कभी होता है, 24 घंटे लोड होता है इसके ऊपर, तो ये संयोजित होता है और ये कभी कभी लोड से संयोजित होता है। दो बातें आ गई आपके सामने, तो दो दो ट्रांसफार्मर है, एक तो ये भी ट्रांसफार्मर, देखो ये ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर है, दोनों की कंडीशन आपको बता दी कि ये तो 24 घंटे सप्लाई से संयोजित होता है और लोड से संयोजित होता है, ये हमेशा बाहर से संयोजित होता है, कौन सा एक नंबर वाला, एक नंबर लगा देते हैं। और दो नंबर की बात करते हैं, ये कभी कभी लोड से संयोजित होता है, मतलब सप्लाई से कभी कभी संयोजित होता है। तो अब इनकी कंडीशन कौन सी होगी, ये आप लोग देखोगे तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, ये आपका पावर होगा, याद रखना ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, पावर ट्रांसफार्मर होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब वितरण होगा, मैं लिख देता हूं वितरण ट्रांसफार्मर होगा और ये शक्ति परिणामित्र होगा, शक्ति होगा और ये होगा परिणामित्र, वितरण परिणामित्र। तो इतनी बातें समझ गए आप लोग कि वितरण ट्रांसफार्मर 24 घंटे लोड से संयोजित नहीं होता है और पावर ट्रांसफार्मर जैसे बड़े बड़े सबस्टेशन की बात की, 2,20,000 का सबस्टेशन है, वहां कभी ट्रांसफार्मर बंद नहीं होते हैं, 24 घंटे बराबर चलते रहते हैं। लेकिन यदि अपने गाँव में बात की जाए, छोटे छोटे सबस्टेशन में बात की जाए, गाँव में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं 8 घंटे सप्लाई आ गई उसके बाद बंद हो गए, या कभी लोड इसके ऊपर आया ही नहीं, कभी उसके मतलब कि सप्लाई तो दे दी लेकिन लोड नहीं आया, तो सप्लाई से संयोजित कब होते हैं, सप्लाई चली जाती है या फिर आवश्यक रूप से इसको बंद करके छोड़ देते हैं कि अभी जरूरत नहीं है। तो ये कभी कभी 8 घंटे आ गई, 6 घंटे आ गए, 6 घंटे से लोड से संयोजित होगा, 2 घंटे लोड से संयोजित होगा, ये तो 24 घंटे रहेगा। तो 24 घंटे से लोड से जो संयोजित होता है उसको कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो पावर ट्रांसफार्मर 24 घंटे लोड से संयोजित होता है और इनकी दक्षता जो ज्ञात करेंगे वो 100% लोड पर ज्ञात करेंगे। इनकी फुल अधिकतम दक्षता कब होती है, इनकी अधिकतम दक्षता की बात कीजिए, 100% लोड पर अधिकतम दक्षता होती है, याद करना 100% लोड पर मैक्सिमम दक्षता होती है। और इनकी इनकी 50% लोड पर, 50% लोड पर अधिकतम दक्षता नीटा मैक्सिमम होती है,
ये देख लेना बात, क्योंकि ये लोड से कभी कभार संयोजित होते हैं, इसलिए कहते हैं इन ट्रांसफार्मरों की कौन सी की वितरण ट्रांसफार्मर जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले इनका चयन किया जाता है कि आयरन लॉस का मान इनमें कम से कम हो, WI आयरन लॉस का मान कम से कम रखा जाता है, ठीक है ना, आयरन लॉस का मान कम से कम रखा जाता है। और कॉपर लॉस की बात करते हैं तो लोड जब तक संयोजित होता है, देखो कॉपर लॉस कितना लेंगे, कॉपर लॉस का मान WC का मान कितना लेंगे, इसके ऊपर WC का मान लेंगे कि जब लोड संयोजित होता है उतने समय का, लोड संयोजित होने तक के समय के लिए कॉपर लॉस, और ये जितने लोड जितने एक बार बेचकर निर्धारित होता है वो हो जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं दोनों हानियों का मान, यहाँ तो 100% लोड पर 24 घंटे के लिए लेंगे, तो यहां 24 घंटे की पावर लेंगे, यहां अलग अलग पावर लेंगे। तो कह सकते हैं वितरण जो ये वितरण प्रणाली में जो यूज जो ट्रांसफर करते हैं, वितरण प्रणाली में जो ट्रांसफर प्रयोग करते हैं उनकी कार्य करने की औसत दक्षता, कार्य करने की दक्षता की बात करते हैं ना, तो 24 घंटे कार्य करने की औसत दक्षता का मान, जैसे ये 24 घंटे पूरा काम करता है तो यहां 24 घंटे की पूरी दक्षता 100% मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी दक्षता 100% लोड पर अधिकतम हो जाएगी। ये तो कभी कभार कार्य किया तो 24 घंटे का औसत निकाल देंगे, 24 घंटे में कितनी देर चला, कितनी देर नहीं चला, 2 घंटे चला, 5 घंटे चला, तो ये कब पता लगेगा, जब इसमें KWH का मान निकाल लेंगे, मतलब इसे यूनिट निकाल लेंगे। KWH क्या होता है, एक व्यवहारिक यूनिट होती है, विद्युत शक्ति की खपत की ऊर्जा के एक व्यवहारिक यूनिट होते हैं, तो ऊर्जा निकाल लेंगे कि आउटपुट में कितनी यूनिट दी और आउटपुट में इनपुट में कितनी यूनिट दी और आउटपुट में कितनी यूनिट मिली थी, वो KWH कहते हैं। तो इसकी दक्षता कब लिखे, KWH से ज्ञात करेंगे। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की संपूर्ण दक्षता ज्ञात करने के लिए KVA पावर नहीं ली जाती है, याद रखना बात, किसी भी ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता ज्ञात करने के लिए KVA पावर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसका करेंगे, KWH का प्रयोग करेंगे, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा में कितने घंटे इसके ऊपर लोड था, कितने घंटे इसके ऊपर लोड था उसकी बात करेंगे, तो वो होते KWH पावर होती है, KWH उसमें मिलकर ऊर्जा की खपत होती है, और इसमें केवीए के रूप में लेंगे। इसलिए आल डे एफिशिएंसी किसकी बात की जाती है, यहाँ 24 घंटे की 100% लोड पर लेंगे, यहाँ 24 घंटे में 50% लोड पर लेंगे, कितना लोड था और उसकी औसत निकाल देंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और बना देता हूँ आप लोगों को मैं, कि आल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। आल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे एफिशिएंसी आल डे, उनके संपूर्ण दिवस की बात करते हैं, एफिशिएंसी आल डे KWH, KWH किसकी, आउटपुट की, KWH आउटपुट याद रखना, KWH किसके लिए, आउटपुट के लिए, कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 घंटे में कितनी KWH आई थी वो। और अब KWH ये किसके लेंगे, ये भी ये आपके पास, ये किसके लेंगे, आउटपुट के लेंगे, KWH आउटपुट के लेंगे, कितने घंटे के लेंगे, 24 घंटे के लेंगे, ये भी 24 घंटे के लेंगे, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे आपको पता है, आउटपुट में लॉस जोड़ेंगे, हानियां जोड़ देंगे, हानियां कौन कौन से जोड़ेंगे, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कितनी, कितने घंटे की, मतलब किसी 50% की कॉपर लॉस जोड़ देंगे, यहाँ पे 50% कॉपर लॉस जोड़ेंगे और आयरन लॉस तो पूरी जुड़ जाएगी। तो लॉस का मान ज्ञात कर लेते हैं, लॉस का मान ज्ञात करके ये फॉर्मूला निकाल देते हैं, तो आल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, KWH आउटपुट, यहां लेंगे KVA और यहां लेंगे KWH। तो किसी भी प्रकार के वितरण ट्रांसफार्मर की आल डे एफिशिएंसी संपूर्ण दिवस की दक्षता ज्ञात करते हैं तो वहां KWH का मान लिया जाता है, बाकी सब में मैंने आपको KVA बताया, देखो यहां पे KVA बताने, ये तो था आप लोगों का इसमें आल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो कि काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो दोस्तों ये तो थी आपकी आल डे एफिशिएंसी, आपकी दक्षता का संपूर्ण फॉर्मूला और संपूर्ण हल। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार कोई कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आए, किसी प्रकार की शंका हो, या आप लोगों के मन में इस वीडियो के प्रति कोई विचार है तो कमेंट्स में जरूर लिखना, आपके कमेंट्स को देखकर आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।